हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आर्टिस्टिक साक्षी चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स को साक्षी की ओर से नमस्ते। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आपने अपने घरों को फूलों से सजाया होगा, मैं भी सजाती हूँ, लेकिन फूलों के साथ साथ मैंने अपने घर को पत्थरों से भी सजाया हुआ है। सुन के थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन मैं अब कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगी जिससे आपको हैरानी होगी कि हम स्टोन्स से भी अपने घरों को कैसे सजा सकते हैं। तो आज स्टोन पेंटिंग की सबसे पहली वीडियो जो है वो मैं लेकर आपके सामने आई हूँ। साधारण से दिखने वाले जो स्टोन्स होते हैं उन्हें देख के लगता नहीं कि अगर हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लें तो ये फूलों से भी सुंदर लगने लग जाते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस तरह के स्टोन्स मैंने रोड साइड से कलेक्ट किए हुए हैं, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, या कहीं कभी हिली एरिए में जाओ तो भी ऐसे स्टोन्स मैं लेकर आती हूँ। तो इनको डिफरेंट कलर्स में हम पेंट करेंगे, कलर्स यूज़ करें। वैसे मैं पेंटिंग के लिए ज़्यादातर ऑयल पेंट्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल पेंट्स स्टिंग होते हैं और पानी का उन पर ज़्यादा असर नहीं होता। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। सारे कैक्टस बनके रेडी हो गए हैं, अब बारी है इनकी प्रेजेंटेशन की। तो इसके लिए मैंने ये एक आइसक्रीम कंटेनर को यूज़ करके वॉल पट्टी इसके ऊपर लगा के और अलग अलग कलर करके एक प्लांटर बना लिया है। अब मैं इस प्लांटर में डालूँगी सैंड, तो आप चाहे तो सैंड डाल लो चाहे मिट्टी डाल। इन प्लांटर, इन जो कैक्टस हमने जो बनाया है, इनको अगर हम प्लांट्स में भी डायरेक्टली रख सकते हैं, लेकिन उससे एक ये डर होता है कि जब हम पानी देते हैं पौधों को तो इनकी जो ग्रेस है थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनको इस सैंड में रखूँगी, फिर बाद में हम चाहे इससे अपने प्लांटर्स के पास रख लें या फिर इंडोर भी हम इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से और एक सैंड में ये अच्छी तरह से फिक्स भी हो जाएंगे।
तो ये रेडी हो गया हमारा कैक्टस प्लांटर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा कैक्टस प्लांटर रेडी हो गया है। तो आप जैसे मर्जी अब इस प्लांटर को डेकोरेट करें। तो होप है कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप भी स्टोन्स कलेक्ट करें और अपने घरों को इन स्टोन्स से सजाएं और कलेक्ट करके रखें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया से आइडियाज़ मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।